भाई आज का ये भी आ गया है। ये देखो 21 इंच पिज़्ज़ा है हमारा, कर दिया हमने भाई फुली ओवरलोडेड विद चीज़ भाई, शानदार। जस्ट लुक एट दिस। तो यार हम पहुंच गए हैं अब GTB नगर, और उज्जवल मेरे साथ में है, और उधर चल रहे हैं भाई क्षितिज और सौरभ, और अभी हम जा रहे हैं पापारिजा। तो यहाँ से GTB की नगर का स्टेशन है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है पापारिजा का, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। और यार मास्क देखो मेरा, ब्लैक रंग का मास्क देखा है आप में से किसी ने कभी? काली गैंग के मेंबर हैं हम, ब्लैक गैंग है हमारी। तो चलो यार यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है पापारिजा का, आपको वहाँ पर चलते हैं। और हमने वहाँ पर ऑर्डर पहले से ही दे रखा था अपना, तो वहाँ पर चलेंगे, आपको जो हमने 4 आइटम लिए हैं सारे ट्राई करके दिखाएंगे, और बाकी देखते हैं क्या होगा वहाँ पर। चलो यार फटाफट से वहाँ पर पहुँचते हैं। हम पहुँच गए यार पापारिजा पे, और बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा भाई हो रहा पापारिजा बिल्कुल मेरे सामने है। 2 मिनट लगा बस हमें JTB स्टेशन से यहाँ पे आने में। उन्होंने रिनोवेट कर लिया अपना आउटलेट, जब मैं यहाँ पे आया था पहले 3 साल पहले आया था, और तब मैं ब्लॉगर कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल का स्टूडेंट ही था तब आया था। तो भाई तब तो बहुत छोटा सा आउटलेट था, तो उन्होंने रिनोवेट कर लिया है। और आपको एक मैं सीक्रेट बात भी बताऊँगा यहाँ पे अंदर बैठने के बाद और खाने पीने के बाद, भाई से सुन के आप भी लोग हैरान हो जाओगे। चलो यार आउटलेट के अंदर चलते हैं और अपना ऑर्डर लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। क्षितिज और सौरभ बाहर खड़े हुए हैं, सौरभ जोशी आ गए, और उज्जवल वर्मा ब्लॉग्स, उज्जवल फूडी। यार मैं हूँ आउटलेट के अंदर फाइनली, और मैं एक बार आपको आउटलेट के एम्बियंस दिखाता हूँ। इन्होंने रिनोवेट करा लिया अपना, पहले तो बहुत छोटा सा था और मतलब कुछ खास भी नहीं था, पर अब तो काफ़ी बड़ा सा बना लिया है। भाई ये देखो ये इनका एम्बियंस, और ये सामने बैठे हैं उज्जवल फूडी। और यार ये देखो इन्होंने पूरा अपना सामने तो ब्रांडिंग करा रखी है इन्होंने अपनी, ऑल यू नीड इज़ लव, नो भाई ऑल आई नीड इज़ पिज़्ज़ा, वो भी जॉइंट स्लाइसेस वाला। भाई ये इनका रिनोवेटेड वाला, बाकी अभी मैं उठ के भी दिखाऊंगा, अभी थोड़ा आलसी हो गया मैं, चल फर के आया हूँ, थक गया हूँ मैं, तो इसका मेन्यू भी दिखा देता हूँ मैं इसी के साथ साथ। भाई जी ये इनका मेन्यू, ये तो बाहर मेन्यू है। हाँ यहाँ मेरा पे बियर भी मिलने लग गया, तो देखते हैं आज पीनी है नहीं पीनी, बाय वन गेट वन फ्री भी है, और मूड तो बन रहा है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। जब मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया तो भाई बहुत छोटा सा आउटलेट था ये, अब उन्होंने रिनोवेट करा के काफ़ी बड़ा करा लिया है, और काफ़ी जो यहाँ की मतलब क्वालिटी वो भी सही हो गई है। और बाकी अभी हमने अपना ऑर्डर तो हमने पहले से डिसाइड करके आया था कि क्या खाना है, तो चलो यार अब उसको मंगवाने का टाइम आ गया है, और उसे ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। बैड न्यूज़ गाइस, भाई ये देखो 50,000 रुपये का घाटा हो गया, इसके पापा भी देख लेंगे अब। 50,000 रुपये प्लस 100 रुपये का घाटा, और क्योंकि मैंने टेम्पर हटा दिया क्षितिज के फ़ोन के ऊपर से। भाई कैसा लग रहा है ये? सो गाइस ये है इसका ड्रॉप टेस्ट का रिजल्ट, मैं टेक चैनल भी खोलने की सोच रहा हूँ, उसमें क्षितिज का फोन गिराऊंगा रोज। एक और बार गिरा के देख लूं। क्षितिज डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गया, एनजिट खाएगा अभी, एनजिट ला के दू। तो यार जो हमारा पहला फूड आइटम है चीज़ गार्लिक ब्रेड, वो आने वाला है, और इसके बाद हम ट्राई करेंगे बेक चीज़ी पास्ता, और उसके बाद हमने लिया है और उसके बाद हमने लिया यार 21 इंच का गॉड फादर पिज़्ज़ा। तो यार जो पिज़्ज़ा है उसकी जो मतलब मेन बात है मैं आपको पिज़्ज़ा आने के बाद ही बताऊँगा। अब हाँ थोर का पापा, थोर का पापा वाला पिज़्ज़ा भी हमने लिया है, और एंड में हम ट्राई करेंगे भाई ब्राउनी सिज़लर, साथ में हमने 2 बियर लिए है और 2 मोहितो लिया है। बियर का रिव्यू सौरभ करके दिखाएगा। क्या हो गया, सारे पिटेंगे, सीधे से पिटेंगे, तू भी पिट लिया थोड़ा सा, तू भी देख लो कैसा होता है टेस्ट। तो यार हमारे जो हमने सबसे स्टार्टिंग के पहले 2 ऑर्डर मंगवाए थे वो हमारे आ गए हैं। भाई ये हमारा बेक चीज़ी पास्ता, भाई ऊपर से चीज़ देखो कितना सारा चीज़ है उसके ऊपर, और ये साथ में गार्लिक ब्रेड दे रखी है हमें, और ये हमारी भाई बेक चीज़ी गार्लिक ब्रेड, और उसके ऊपर भी आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो यार एकदम गर्मा गर्म है ये, तो इसका ना पहले फटाफट से यार चीज़ पुल कर लेते हैं, क्योंकि भाई गर्मा गर्म में चीज़ पुल आएगा, ठंडा होने का चीज़ पुल तो आने से रहा इनका। तो यार सबसे पहले चीज़ पुल करके देखते हैं अपने गार्लिक ब्रेड का, उठाऊँ भाई ये चेक करो चीज़ पुल, देखो भाई भाई फुली लोडेड है चीज़ से। भाई ये देखो गार्लिक ब्रेड ओपी, फोटो भी ले लियो, वाह। यार तीसरी बार चीज़ पुल करके देखते हैं, हम 2 बार कर चुके पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस काम में। भाई सिंगल बंदों का सही काम होता है, और ऊपर से फूड ब्लॉगर्स हैं हम। भाई शानदार, जस्ट लुक एट दिस, भाई बहुत सही यार, बहुत सही। So guys, एक बार इसका भी चीज़ पुल करके देखते हैं।
ये भी मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ी होने वाला है। ओ भाई मज़ा आ गया, एकदम गर्मा गर्म है ये, इसके अंदर तो स्टीम निकल रही है यार, मतलब मेरे तो मुझे एकदम पानी आ रहा है। सो गाइस एक बार और चीज़ पुल करके देखते हैं इसका। इस बार मैंने पिछले बार फोक से कर रहा था, स्पून से। यार ये बेबी टमाटो को साइड कर दिया हमने भाई, फुली ओवरलोडेड विद चीज़। और जो उसकी खुशबू आ रही है भाई बहुत औसम आ रही है, हम सबसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बस हम सब कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमें वीडियो शूट करना है भाई, सबका बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। सो गाइस आपने अभी चीज़ पुल देखा भाई, क्या शानदार चीज़ पुल था, बहुत टाइम बाद में मतलब आया इतनी बढ़िया चीज़ पुल देखा मैंने। और चीज़ पुल तो यार आपको पता है फेवरेट है हर किसी का। चलो यार अब कंट्रोल नहीं हो रहा, टेस्ट करके देखते हैं। ये हमारा चीज़ी बेक पास्ता है, सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। और अभी भी देखो कितना चीज़ आ रहा है इसमें, एकदम जो स्पाइडरमैन का जाला होता है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है देखने में ये। भाई बहुत औसम है ये, बहुत ज़्यादा चीज़ी और बहुत ज़्यादा क्रीमी है भाई, बहुत शानदार टेस्ट आ रहा है इसका, बहुत अच्छे से बेक किया हुआ है और परफेक्ट टेस्ट है एकदम, मज़ा आ गया मेरे को तो खाते ही। इसे एक और बाइट खा लेते हैं भाई, ओवरलोडेड है ये चीज़ से देखो, मतलब जितनी तारीफ करो ना इसकी भाई उतनी कम है, सच में बहुत सही टेस्ट है इसका। नहीं करूँ तारीफ सो गाइस ये हमारी चीज़ गार्लिक ब्रेड, और आपने अभी इसका भी चीज़ फुल देखा था भाई, ये भी बहुत चीज़ी है, इसमें अभी भी चीज़ आ रहा है ये देखो, मैंने दो पीस एक साथ उठा लिए तो इसमें भी देखो कितना सारा चीज़ है इसके अंदर अभी भी, और लगभग 10 से 15 मिनट हो गए इसको रखे हुए, और बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर। और साथ में हमारा भाई आज का ये भी आ गया है तो सौरभ तू करेगा ना इसका रिव्यू भाई, सौरभ रेडी है इसका रिव्यू करने के लिए भाई मैं तो इसका रिव्यू करूँगा, मैं पहले इसका रिव्यू करके बता देता हूँ ताकि सौरभ बाद में इसका रिव्यू आराम से कर पाए। अच्छा तूने ट्राई करना है ये, ठीक है? अबे मजाक हो रहा है भाई सीरियस हो गया सौरभ, डर गया कह रहे पापा मारेंगे। तो चलो यार अब ट्राई करते हैं अपनी चीज़ गार्लिक ब्रेड भाई, ये देखो अभी भी इतना चीज़ फुला रहा है इसके अंदर, तोड़ता हूँ इसका, मैं एक बार बीच में से आप लोगों को तोड़ कर दिखाता हूँ। भाई ये देखो दिस इज़ ऑसम भाई, इसके अंदर भी चीज़ डाल रखा है, मैं कहते हैं ब्लेंड करके चीज़ इसके अंदर डाल रखा है ब्लेंड चीज़, तो भाई इसका भी टेस्ट करके देखते हैं। गाइस गार्लिक ब्रेड भी बहुत चीज़ी और बहुत क्रीमी है जैसे आपने देखा, इसके अंदर चीज़ ब्लेंड डाल रखा है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है गार्लिक का भी इसके अंदर, और यहाँ पे सौरभ लगा पड़ा है खाने में भाई उसको इतना अच्छा लगा, उंगलियाँ चाट गया वो अपनी, कंट्रोल नहीं हो रहा उसको, कह रहा फटाफट से खोल दो ये। तो इसके एक और बाइट लेते हैं भाई, परफेक्ट टेस्ट एकदम। और इसके बाद हम ट्राई करेंगे 21 इंच का गॉड फादर पिज्जा, अगर वीडियो को जुड़े रहना और वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो। और गार्लिक ब्रेड तो हम सारे चट करके खा गए क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा चीज़ी थी और बहुत ज़्यादा क्रीमी थी। और ये जो हमारा चीज़ी बेक पास था ये भी ख़त्म होने वाला है भाई, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत फेबुलस था ये भी। और जो 21 इंच का गॉड फादर पिज़्ज़ा हमने वो भी मंगवा दिया है, और जो बात मैं आपको कह रहा था बताने के लिए मैं आपको पिज़्ज़ा के आने के बाद बताऊँगा। और जो हमारा गॉड फादर पिज़्ज़ा है भाई उसमें हमने हाफ वेज लिया है और हाफ नॉन वेज लिया है, जो आपको पता है नॉन वेज का रिव्यू जो मेरा दोस्त है सौरभ भाई चढ़ गई है इसको, बंद हो गया ही तो यार मैं इसको ख़त्म करता हूँ फिर यहाँ पे भाई, जो एम्बिएंस है बहुत अच्छा है, थोड़ी फोटो वोटो खिंचवाता हूँ अपनी, फिर 21 इंच गॉड फादर पिज़्ज़ा का आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। और भाई उज्जवल को भी चढ़ गई है देख लो, पहला पड़ा उज्जवल भी तो चलो यार मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फोटोज वोटोज खिंचवाता हूँ अपनी और फिर आपको उसका रिव्यू करके बताता हूँ। भाई ये चल रहा है फोटो सेशन, कहाँ पे खिंचवानी है, चीज़ के साथ खिंचवानी है कि तेरे को भी उज्ज्वल की खिंचवाई पहले, इसके साथ नाराज हो जाएगा उज्ज्वल वर्मा, गुस्सा हो जाएगा मेरा वीडियो पर लाइक कमेंट नहीं करूंगा भाई, एकदम सार रेडी है, पोस्ट चेक करो बस भाई का एक बार, स्मार्टनेस देखो यार उज्ज्वल की, उज्ज्वल वर्मा ब्लॉग से सब्सक्राइब भी कर लो इसी बात पे, स्मार्टनेस चेक करो यार, स्मार्टनेस देखो भाई की,
स्माइल पे देखो, बस स्माइल देखो उस की, देखो भाई देखो स्माइल, इधर देख बहुत सी फोटो आ रही है भाई, फोटो तो देख लो भाई की, उज्जवल की फोटो भाई, फोटो अच्छी है, ये पहली बार उज्जवल की। अरे भाई सर तुम तो यार, ये आ गया हमारा 21 इंच गॉड फादर पिज्जा भाई, ये देखो ये आ गया हमारा पिज्जा भाई, जस्ट लुक एट दिस, एक साइड वेज है और एक साइड नॉन वेज भाई, ये देखो 21 इंच पिज्जा है हमारा, ले लेंगे अभी, चलें भाई, ये देखो इसका चीज पुल करने की कोशिश करते हैं भाई, स्लाइस देखो भाई, इतनी बड़ी स्लाइस है ये, और ये हमारा वेज वाला है भाई, ये देखो कितना शानदार लग रहा है, चेक करो यार एक बार भाई, जी से ओवरलोडेड है पूरा, और स्लाइस देखो भाई कितना बड़ा स्लाइस का साइज है भाई, एकदम माइंड ब्लोइंग लग रहा है तो देखने में ही वीडियो। तो चलो यार एक बार आपको चिकन वाला पीस मैं चेक करवाता हूँ, ये हमारा चिकन ओवरलोडेड है, और मैं ये वाला पीस उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई जो स्लाइस का साइज है वो बहुत बड़ा है भाई, ये देखो भाई, ये देखो चिकन ओवरलोडेड पिज्ज़ा हमारा, इसमें भी चीज़ पुल है अच्छा खासा भाई, बट जो साइज़ है पिज़्ज़ा का बहुत बड़ा है भाई। सो गाइस आ गया हमारा 21 इंच गॉड फादर पिज़्ज़ा, और भाई ये देखो कितना ज़्यादा ह्यूज है ये, आपको उठा कर दिखाता हूँ भाई, लगभग 2 किलो का तो होगा ये, बाइसेप मार सकते हैं हम इससे, सौरभ ने तो बाइसेप मार लिया भाई, पंप करके बैठा हुआ है सौरभ के बाइसेप, चेक कर लो भाई एकदम पंप हो गया सौरभ, और भाई मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भाई से पंप कर लूँ उसको खा के, और भाई ये साइड जो है हमारी है चिकन ओवरलोडेड, और ये जो हमारी वेज वाली साइड है, और जिसका प्राइस है वो आपको डिस्क्रिप्शन अंदर मेंशन कर देंगे, वहाँ से चेक कर सकते हैं भाई, हमेशा की तरह तो चिकन का रिव्यू सौरभ करके बताएगा, और मैं आपको हमेशा की तरह वेज का रिव्यू करके बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है मेरे को वेज ज़्यादा पसंद है, और मैं वेज ही खाता हूँ ज़्यादातर, तो नॉन वेज में खाता भी नहीं, और मेरे को इतना अच्छा भी नहीं लगता खाना। सो गाइस उसको टेस्ट करना शुरू करते हैं भाई, ये स्लाइस का साइज़ चेक करो भाई, एकदम जम्बो साइज़ है ये भाई, वेजेस से ओवरलोडेड है, इसके अंदर आपको बहुत सारी वेजेस दिख रही होंगे भाई, ब्रोकली है हमारा, और ये इसके अंदर एक मिनट क्या क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं काले, सो गाइस ये देखो बहुत सारी वेजेस डाल रखी हैं इसके अंदर, ये ब्रोकली डाल रखी है, ऑलिव स्वीट कॉर्न और मशरूम, मतलब बहुत सारी वेजेस से ओवरलोडेड है ये, बहुत सारा चीज़ भी डाल रखे हैं इसके अंदर, इससे पहले भी जो हमने दोनों आइटम ट्राई करे थे भाई, भाई एक लास्ट है, मतलब एकदम मज़ा आ गया खाते के साथ ही, अब एक बार इसका टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, हाँ ये भी एकदम थिन क्रस्ट है भाई, वेजी से ओवरलोडेड है, टेस्ट जो है बहुत शानदार आ रहा है भाई, एकदम गजब की चीज़ है ये तो, मतलब मज़ा आ गया इसको खाने के बाद ही, परफेक्ट सर। मैंने तो ये ट्राई कर लिया अपने वेज वाला, और अब ट्राई करेगा सौरभ अपना चिकन वाला, और उसका रिव्यू करके बताएगा, और उसके बाद हमने एक चॉकलेट सिजलर लिया है, तो हम उसका भी आपको रिव्यू करके बताएंगे, तो और वीडियो अगर अभी तक भी लाइक नहीं करी ना भाई, लाइक कर दो, मतलब भाई मज़ा आ गया, तो बहुत सही दिन गया हमारा, और आपका भी ये दिन बढ़िया हो गया होगा हमारी वीडियो देख के, वैसे हमारी सारी वीडियोज़ बढ़िया होती हैं पता ही है मेरे को, चलो यार अब चिकन का रिव्यू करते हैं, आ जाओ सौरभ। नमन ने भी वेज का रिव्यू करा, अब मैं नॉन वेज का रिव्यू करूँगा, क्योंकि खाता तो है नहीं नॉन वेज, तो मुझे ही करना पड़ेगा अब ये, वैसे मैं ही करना चाह रहा हूँ, तो मैं नहीं मंगाया था ये नॉन वेज वाला ज़्यादातर, तो अब ट्राई करते हैं इसे कैसा है। छोटा पीस सारा खा गया, टेस्टी कैडा वैसे बहुत सही है, चिकन भी बढ़िया करके डाल रखा है, अच्छी तरह से सॉफ्ट है चिकन, मतलब ऐसा नहीं है कच्चा वगैरह रह गया हो, बढ़िया है, मजा आ गया, थैंक यू सर। सौरभ ने आपको भी चिकन का रिव्यू करके बताया, और उसके हिसाब से चिकन भी बहुत बढ़िया था, आपको उसको देख के लग रहा है नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत है सौरभ को भाई यार, और सच्ची बात है भाई, किसी ने यहाँ पे ड्रिंक नहीं करी थी, ये जो सिर्फ किंगफिशर रखी थी ये इसलिए दी, हमें बताना था कि पापा जी तो जो है वो किंगफिशर भी सर्व करने लगा है, सिर्फ यही पर्पज था इनका, हमें कोई भी ड्रिंक नहीं करता है, हम सब ने ही मोहितो पी थी, वो सब दिखाने के लिए रखी थी हम, ताकि हमें रील वील बनानी थी और इंस्टाग्राम में पोस्ट करना था इसका। और हाँ यार जो बात मैं आप सबको बताने वाला था वो ये थी कि भाई जब मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, एक बार मैंने डीएम करा था, तो मेरे 10-15 हज़ार फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर मेरा था ही नहीं, पावर यूजर को मुझे इनवाइट पे बुला लो, तो उन्होंने मेरा मैसेज सीन करके मतलब छोड़ दिया था, और वो मैंने बेइज्जती समझ के अनसेंड कर दिया था भाई। और भाई 2 साल बाद अब
जब भाई मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे और 60,000-70,000 मेरे फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो इनका खुद ही इनवाइट आया मेरे को और भाई देख लो यहाँ बैठ के मैं इंजॉय कर रहा हूँ और ये सब आप सबके वैसे ही पॉसिबल हो चुका है क्योंकि आप सबने इतना सपोर्ट करा। मतलब भाई बहुत अजीब सा लगता है कि अगर आप किसी को अप्रोच करो और वो मैसेज सीन करके छोड़ देता है और बाद में भाई वो खुद ही इन्वाइट आपको भेजता है, मतलब भाई मजा आ गया चीज़ देख कर। तो ये बात मेरे को आप सबको बताया थी कि भाई मतलब मजा आ गया एकदम से एकदम जमा जम। और हम आपको सिजलर का रिव्यू करके बताएंगे, बाकी मैंने आपको जो मेन बात बतानी थी वो भी बता दी। हमने 3 चीज़ें ट्राई कर ली और हमारा घर जाने का टाइम आ चुका है और अब हम ब्राउनी सिजलर ट्राई करेंगे और यहाँ से निकल पड़ेंगे। चलो यार सिजलर ट्राई करते हैं अब। ये आ गया हमारा लास्ट आइटम सिजलर, प्लेट देख लो आप, स्टार्ट कर दो वीडियो। ये आ गई हमारी चॉकलेट, ये भाई की हमारी ब्राउनी सो गाइस आज का हमारा लास्ट आइटम ये है ब्राउनी सिजलर। आपने अभी इसकी मेकिंग देखी पूरी, वही सिजलर है पूरा, आपने देखा इसके अंदर ब्राउनी डाल रखी है, ऊपर से हॉट चॉकलेट डाली है, इसके ऊपर नट्स वट्स डाल रखे हैं। तो एक बार इसको टेस्ट ट्राई करते हैं और अपने घर चलते हैं। फिर गाइस ये देखो हॉट चॉकलेट पूरा डिप कर लिया मैंने इसे, भाई ये भी बहुत लाजवाब है, एक नंबर चीज़ है, एकदम ओपी चीज़ है ये भाई। मतलब ठंडा गर्म मिक्स कॉम्बिनेशन आ रहा है इसको खाने में, जो ब्राउनी है भाई वो भी बहुत सॉफ्ट है, वैसा ही टेस्ट है। एक और बार बाइट लेते हैं इसकी, भाई सर्दी में हॉट चॉकलेट खाओगे तो आपको तो अलग मज़ा आता है और थोड़ी सी आइसक्रीम इसके अंदर मिक्स है, एकदम बैलेंस टेस्ट है। भाई सब वेट कर रहे हैं सिजलर खाने का और मैंने खाने नहीं दूंगा, मैं इसलिए एक और बाइट खा लेता हूँ। खा लूँ उज्जवल, केस कर देंगे तेरे पे। अब तू खा ले, अब तू खा ले भाई खा ले। तो यार आज हमने 4 आइटम ट्राई करे और चारों के चारों बहुत बेस्ट थे। अगर आप उन्होंने मेरे से पूछोगे सबसे बढ़िया क्या लगा मेरे को, तो भाई गार्लिक ब्रेड जो थी सबसे अच्छी लगी मेरे को और जो बेक पास्ता था, भाई ये 2 आइटम तो मस्ट ट्राई हैं। अगर आप हटजन लेना हो यार और पापा रिजर्व आपका आने का मन हो तो भाई बेक पास्ता और चीज़ गार्लिक ब्रेड तो भाई ट्राई करना बनता ही बनता है, वो तो आप ट्राई कर ही लेना यार। और उज्जवल वर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना। ये रोज़ ब्लॉग्स डालता है, अभी इसने ब्लॉग डालता कि गिलहरी ने काटी वाईफाई की तार। भाई प्रमोशन कर रहा हूँ, दलील नहीं कर रहा तेरे को मैं। और उज्जवल फूडी को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक किसी भी डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अरे भाई खाने में लगाओ नशा मुक्ति के अंदर। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही था, यहाँ की वाइब जो है भाई अलग ही है और बहुत मज़ा करा हमने। और यार वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना मेरे को आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। तो चलो यार वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।